नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 5 अक्टूबर 2021 कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज का दिन धीरे धीरे विस्तार को आगे रखते हुए आपको डिसीजंस लेने हैं, अपनी सिचुएशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है। जल्दबाजी में कोई भी ऐसी डिसीजन या निर्णय नहीं लेना है जो आपकी आने वाली परिस्थिति को बिगाड़ के रख सकता है, लेकिन निरंतर प्रयासरत भी रहना है। साथ ही साथ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके सारे ही डिसीजंस, चाहे वो प्रोफेशनल हों या पर्सनल हों, कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ने चाहिए, उसमें कोई भी उतार चढ़ाव आपको देखने को ना मिले। साथ ही साथ आज के दिन पारिवारिक स्थिरता भी बनी रहेगी, परिवार में भी आपके सुख और शांति बनी रहेगी। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए प्राइमरली नेगेटिविटी को रिमूव करके आगे बढ़ने का है। मन को शांत रखिए, सुकून के साथ आगे बढ़िए, जिससे कि सिचुएशंस को आप अपने फेवर में कर पाएँ। साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव भी अब साझा होता हुआ नजर आएगा, या फिर उसमें कोई ना कोई एक इंट्रोस्पेक्टिव व्यू अदर सामने वाली पार्टी का डिवेलप होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ अगर आप किसी लीगल बैटल के दौर से गुजर रहे हैं तो वो भी सिचुएशंस अब आपके फेवर में आती हुई नजर आएंगी। लंबे समय से चल रहा कोई भी स्वास्थ्य संबंधी डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं, मान लीजिए किसी सर्जरी के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, कोई बीमारी बहुत समय से आपको परेशान कर रही है, वो भी आप आज के दिन आप निर्णय ले सकते हैं। कुल मिलाकर स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी आज के दिन दूर होती हुई नजर आएंगी। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए पॉजिटिविटी को आगे रखकर आगे बढ़ने का है। साथ ही साथ आज का दिन आपके लिए सामंजस्य को बनाने का है, चाहे वो कार्यक्षेत्र में हो या आपके पारिवारिक संबंधों में हो। संतुलन सामंजस्य बना रहेगा, सामान्यतः चीज़ें चलती रहेंगी, कुछ खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। परिस्थितियाँ जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, मन आपका शांत रहेगा, बेहतरीन तरीके से नए प्रोजेक्ट्स को आप टेकअप कर पाएंगे। नौकरी चेंज करने के भी आपके योग प्रचुर तरीके से डेवलप हो चुके हैं, जो आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए पॉजिटिविटी को लेकर, शुभ संकेत लेकर आगे बढ़ने का है। साथ ही साथ जो लोग नौकरी चेंज करने के इच्छुक हैं, उनको कहीं ना कहीं कोई एक माइलस्टोन टच करते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक स्थिरता बनी रहेगी, मन उनका शांत रहेगा। साथ ही साथ आज के दिन आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी डीप सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं जो आपकी सिचुएशंस को, आपकी परिस्थिति को और ज़्यादा निखार कर जाए। कहने का मतलब, आज के दिन आप स्किल एनहेंसमेंट पर काम कर सकते हैं और आपके द्वारा लिया गया कोई भी प्रोफेशनल निर्णय आपकी परिस्थिति को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाकर जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए शुभता, शुभ संकेत को लेकर आगे बढ़ने का है। पूरी तरह से अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके काम की तारीफ करें, साथ ही साथ आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहे, ब्रांडिंग आपकी बनी रहे, आपका कार्यक्षेत्र में कद ऊंचा रहे, पूरी तरह से अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके काम की तारीफ करें, सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ आप चीज़ों को आगे बढ़ें, तो आज के दिन आपको अपने इष्ट की आराधना करनी चाहिए। बड़ों का मान सम्मान बनाकर रखें, गुरुओं का आशीर्वाद लें और तभी दिन की शुरुआत करें। साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव भी अब स्थिरता के फेज में आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको परिवार की तरफ से बीच बीच में कोई चिंता, तनाव या परेशानी होती थी, तो वो भी अब सेटल्ड आउट होती हुई नजर आएगी। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए पुराने डिफरेंसेस को भुलाकर नई चीजों को एम्ब्रेस करने का है, और ये जो एम्ब्रेस करने की चीजें हैं, ये आप अपने निजी संबंधों में भी लागू कर सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को बढ़ा सकता है। तो आज के दिन आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखकर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपको डॉक्टरी परीक्षण करा लेना चाहिए, डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, और आप बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं और जा नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अब आज के दिन इस निर्णय को पुख्ता कर लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ डॉक्टरी परामर्श या डॉक्टर के द्वारा दी गई कोई भी आपके लिए वैल्यूएबल सजेशन, दवा आज के दिन आपके लिए कारगर साबित होगी। साथ ही साथ आप अल्टरनेटिव रिजॉर्ट सिचुएशंस को भी रिजॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपका आयुर्वेदा हुआ, या फिर आपकी एक्सरसाइज हुई, जिमिंग हुआ, योगा हुआ, कुछ भी ऐसा करिए जो आपके लिए एलोपैथी से अलग हटकर हो, वो आपके लिए एक अल्टरनेटिव माध्यम के रूप में कारगर सिद्ध हो सकता है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए।
तुला राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन सामान्यता जाएगा, कुछ खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। परिस्थितियां आपके फेवर में हैं, लोग आपके काम की तारीफ कर रहे हैं, जिस निष्ठा के साथ आप आगे बढ़ चुके हैं काबिले तारीफ है। इसी तरह से इसी परिस्थिति को और इम्ब्रेस करके चलते चलिए। मजबूती आपके लिए सब तरह से इंडिकेटेड है। मन को शांत रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, जिससे कि सिचुएशंस आपके फेवर में आ सकें। साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा कोई भी आपके परिवार में अगर तनाव चल रहा है, खास तौर पे अगर दो पक्षों के बीच में कोई तनाव चल रहा है, कहासुनी हो गई है, बातचीत की नौबत नहीं आ रही है, तो अब वो भी आनी शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि पारिवारिक स्थिरता भी अब आपको रिश्तों में देखने को मिलेगी, तनाव की परिस्थिति रिड्यूस होती हुई नजर आएगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन पूर्ण स्थिरता अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपने लिए टाइम निकालिए, अपनी परिस्थितियों को और मजबूती के साथ खड़ा करिए। साथ ही साथ उन सभी तथ्यों को विचारिए, रिव्यू करिए, इंट्रोस्पेक्टिव जोन में जाइए, देखिए आपकी कहाँ पर किस परिस्थिति में गलती है या आप अपनी स्ट्रेंथ्स को और कैसे मजबूत कर सकते हैं। वीकनेस पर काम करने का इससे बढ़िया दिन आज के दिन नहीं हो सकता, इसलिए अगर आज के दिन आप इंट्रोस्पेक्टिव व्यू लेकर चलेंगे तो आप सब तरह से अपने लिए सिचुएशंस को पॉजिटिव कर पाएंगे और आपके लिए मन, वाणी और शरीर तीनों की अगर संतुलन बना रहेगा तो परिस्थितियां प्रोफेशनली भी आपके लिए सही रहेंगी। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, चीज़ें सामान्यता आपके लिए रहेंगी, कुछ खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आपका मन आज के दिन शांत रहेगा। सेकंड हाफ के बाद छोटी मोटी चीज़ों को लेकर आप विचलित हो सकते हैं, लेकिन वो भी चिंता करने की बात नहीं है। कुल मिला के आपको आज के दिन अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपनी रणनीतियों को बनाइए या उसको दोहराएँ, उसका रिव्यू करें कि आप आज से 6 महीने के अंदर अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, उस पर काम करिए। आपकी परिस्थितियाँ आपके लिए और फेवरेबल साबित हो सकती हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके काम की तारीफ करें तो आज के दिन से बेहतर कोई दिन हो सकता है, जहां पर आप अपनी परिस्थितियों को, अपनी सिचुएशंस को अपने फेवर में ला सकते हैं, अपने ही इंट्रोस्पेक्टिव व्यू में जाकर। साथ ही साथ कोई ऐसा ठोस निर्णय भी आप ले सकते हैं जो आपके और आपके परिवार के लिए रामबाण साबित हो सकता है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, अगर आप लंबे समय से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे, प्रॉपर्टी परचेज करने की सोच रहे थे और चीज़ें आपके लिए सामंजस्य के दायरे में नहीं आ रही थी, बैलेंस या संतुलन नहीं बन रहा था, अब आज के दिन में आप वो इस सिचुएशन को रिव्यू कर सकते हैं, परिस्थितियां आपके फेवर में आएंगी। साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव या पार्टनर के साथ तनाव भी अब साझा होता हुआ नजर आएगा, तो कुल मिला के आज का दिन आपके लिए बेहतरीन तरीके से चीज़ों को रिव्यू करने का साबित हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपको अपने स्थान को चेंज करना चाहिए, स्थान परिवर्तन, लोकेशन के बारे में सोच रहे हैं, कंट्री से बाहर जाने की सोच रहे हैं, वो भी परिस्थितियां अब आपके लिए बड़ी ही गतिशील तरीके से सामने आनी शुरू हो जाएंगी फॉर द पॉजिटिव रीजंस। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन सिचुएशंस को एम्ब्रेस करिए, पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करिए, आगे चलते चलिए, जो आपके लिए सब तरफ से पॉजिटिविटी लेकर आएगा। खास तौर पे आपके लिए आध्यात्मिक अगर मैं शांति की बात करूं तो आज के दिन आप अपने आप को इवॉल्व महसूस करेंगे, परिस्थितियां आपके लिए फेवरेबल रहेंगी, मन आपका शांत रहेगा, लोग आपके काम की तारीफ करते हुए भी नजर आएंगे। लंबे समय से चल रहा आपका अंतर्द्वंद, आपका अगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कोई चल रहा था, उसमें भी आज के दिन आपको क्लैरिटी मिलेगी। यानी कि अगर आप अपने दिल और दिमाग के बीच में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे थे और किसी एक निजी समस्या से जूझ रहे थे, उसमें भी आज के दिन आपको कहीं ना कहीं माइलस्टोन टच करते हुए आप दिखाई देंगे। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन परिस्थितियों को एम्ब्रेस करके कोई ठोस निर्णय अपने और अपने परिवार के लिए लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। खास तौर पे अगर आप स्थान परिवर्तन, शहर चेंज करना या कंट्री से बाहर जाने की सोच रहे हैं, ये प्रोफेशनली, पर्सनली, फाइनेंशियली आपके लिए काफ़ी अच्छा एक स्टेप हो सकता है, जो सिचुएशंस को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाकर जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो अपने लिए कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स देकर जाए। कुल मिला के सामान्यता आज का दिन जाएगा, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म गोल्स की या फ्यूचर प्लानिंग की बात कहें तो आज का दिन आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। साथ ही साथ आज के दिन परिवार की तरफ से सर्वोत्तम परिस्थिति बनी रहेगी, उनका सपोर्ट बना रहेगा, तो ये निर्णय आपको लेने में और ही आसानी मिलेगी। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।